Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर टू मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक UGC नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेस सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है आपकी पीपल एंड एनवायरनमेंट के यूनिट का ये दो सब टॉपिक्स जिनका कि नाम है NDGs एंड SDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हर स्टूडेंट के लिए जो इस एग्जाम को इस सेक्शन को प्रिपेयर कर रहा है उसे बिल्कुल थॉरली इन गोल्स के बारे में कि ये किस टाइम पीरियड पे आए, किन चीज़ों को ध्यान में रख कर आए और इनके गोल्स क्या क्या हैं, वो जो है ब्रॉड इन्फॉर्मेशन वो एटलीस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर वो पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा गोल जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट नहीं है या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कौन सा गोल एजुकेशन की बात कर रहा है, कौन सा गोल इराडिकेशन ऑफ पावर्टी की बात कर रहा है, कौन सा मिलेनियम में से मटर्नल हेल्थ की बात कर रहा है, उसका नंबर क्या है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही कोशिश करेंगे कि इन दोनों ही गोल्स में के अंडर जितने भी गोल्स आते हैं उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MDGs जो हैं आपकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, देखिए जब हमारा ये 2000 वाला मिलेनियम शुरू हुआ तो शुरुआत में ही 2000 से 15 तक के लिए इस मिलेनियम को में कुछ अच्छा करने के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए, हमारी जो एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं जो कि यूनिवर्सली प्रेजेंट हैं, फिर वो हंगर से जुड़ी हुई हों, पावर्टी से जुड़ी हुई हों, जेंडर इनइक्वालिटी से जुड़ी हुई हों, तो इन सारी ही चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, यूनानिमसली यानी इकट्ठे होकर ये सोचा कि 2015 तक हम ऐसा करते हैं कि कुछ गोल्स बनाते हैं जो हमें यूनिवर्सली फॉलो करने हैं, और अगर हम उन गोल्स को अपने अपने कंट्रीज में अपने अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के उन गोल्स से जुड़े हुए मल्टीपल प्रोग्राम्स कर पाएं, लोगों को उससे अवेयर करा पाएं, उस तरह की चीज़ें डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स कर पाएं, तो हम इन 8 सेक्टर में, क्योंकि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं वो कितने हैं आपके, 8 गोल्स हैं, आगे आप देखेंगे भी, इन 8 सेक्टर्स में हैं जो हम इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर हम इसे टारगेट बेस्ड रखेंगे यानी कि डेडलाइन के साथ रखेंगे तो क्या होगा, चीज़ें टाइमली पूरी हो जाती हैं। तो इस इंप्रेशन के साथ 2000 से 2015 के टाइम पीरियड के बीच में के लिए 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आपके नोटिस में आए और उनका इवॉल्व हुआ, या आप कहें कि जिस टाइम पे वो बनाए गए, जिसमें कि 60 इंडिकेटर हैं, ये भी आपको याद करना है इन्फॉर्मेशन, एंड 21 टारगेट्स हैं। इंडिकेटर्स आप उसके सब पार्ट समझ सकते हैं, टारगेट्स उन्हीं चीज़ों को लेकर हैं, गोल्स को लेकर, कि हमें इतना 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 फैक्चुअल फॉर्म्स में, फिगर्स के फॉर्म में, कि हमें ये अचीव करना है। तो ये अक्रॉस द ग्लोब 8 जो टारगेट्स थे उन्हें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, और वो मेजरली किन बातों पे टारगेट्स बनाए गए वो हम देखते हैं। एक और चीज़ देखो, 191 जो UN मेंबर्स हैं उन्होंने ये गोल्स बनाए थे और इनको अचीव करने की बात 2015 तक रखी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इसमें भी पूछ लेते हैं, किस साल तक या किस साल से किस साल तक के बीच में MDGs जो हैं वो आए, तो आपका आंसर होगा 2000 से 2015 के बीच में। इस तरह के यूनिवर्सल इश्यूज को फाइट करने के लिए, पावर्टी, हंगर, डिजीज, इलिटरेसी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सारी चीज़ों को, जेंडर इनइक्वालिटी, इन सबको फाइट करने के लिए ये जो मिशंस थे ये आए, पहली चीज़। अब ये क्या था, ये एक फ़ोटो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, WHO ने जनरेट की थी, इससे चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। हालांकि आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे लिखकर सारी चीज़ों को अभी याद कर लें और फिर एग्ज़ाम से पहले आप उसको एक बार देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। तो देखो बेटा, ये 8 गोल थे, अगली स्लाइड पे मैंने आपके लिए पॉइंट वाइज भी लिखे हैं, पर अगर हम उसी स्लाइड को देखें तो देखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 8 थे वो पहले देखते हैं ब्रॉडली किन चीज़ों की बात करते हैं। ऑर्डर याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही गोल्स में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गोल्स हैं वो नाम से हैं कि नंबर 1 गोल ये कह रहा है, नंबर 2 गोल ये कह रहा है, तो आपको ऑर्डर याद करना है, तो लिख के आपको ये सीक्वेंस अच्छे से याद करनी होगी। जो पहला गोल है वो इरेडिकेट
create extreme poverty and hunger. आप लोग जानते होंगे कि world population में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, major percentage of that population is under that category, जहाँ पे जो daily income है लोगों की वो $1 अगर मैं कहूँ या $1.5 मैं कहूँ उससे भी कम है, जो कि एक basic survival के लिए बहुत ज़्यादा कम है. तो अगर जो पहला goal था वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के design किया गया था कि extreme जो ये poverty है, लोगों को, इंडिविजुअल्स को, वेमेन को, सबको ऐसी एम्प्लॉयमेंट दी जाए जिससे कि जो इनका ये पावर्टी का लेवल है, हंगर का जो लेवल है, इससे वो ऊपर उभर पाएं और उनके बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएं. पहला गोल ये था. दूसरा क्या था? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. किसी भी कंटेक्स्ट में आपसे पूछते हैं कि बताइए एमडीजीज में एजुकेशन को लेकर, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर बात कहाँ आई थी, तो आपका आंसर होगा गोल नंबर 2, क्योंकि जो गोल नंबर 2 है वो बात कर रहा है एजुकेशन की. प्राइमरी लेवल तक सबकी एजुकेशन मुहैया कराई जाए, इसके अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स यूनिवर्सल लेवल पर चलते हैं. इंडिया में भी जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, या आपका माध्यमिक शिक्षा अभियान है, या हायर एजुकेशन से जुड़े हुए मिशन हैं, वो सब भी क्या है, एजुकेशन की कंटेक्स्ट में ही है. तो जो प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट सबको हासिल हो, जैसे अपने यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो ये सब चीज़ें इसके सब पार्ट्स ही हैं, लेकिन जो मेन गोल था वो था कि यूनिवर्सली बच्चों को एटलीस्ट प्राइमरी तक की एजुकेशन जो है वो सबके पास हो. थर्ड जो हमारा गोल था वो जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट रिलेटेड टू वुमेन था. जो भी भेदभाव होता है जेंडर के बेसिस पे वो कम किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब, प्रमोशन, डेवलपमेंट हर जगह दी जाए, इसको ध्यान में रखकर तीसरा गोल जो है वो डिज़ाइन किया गया. चाइल्ड मोर्टैलिटी इम्पॉर्टेंट. फोर्थ गोल जो था चाइल्ड मोर्टैलिटी को था, 5 साल की उम्र से छोटे बच्चों का मोर्टैलिटी रेट जॉइंटली बहुत ज़्यादा है. मतलब कि अधिकतर बच्चे ऐसे, बहुत सारे बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन की वजह से या और किसी प्रॉब्लम की वजह से 5 साल तक की आयु भी पूरी नहीं कर पाते हैं. तो जो ये चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना हमारा चौथा गोल था MDGs का. फिफ्थ था मटर्नल हेल्थ को लेकर. जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनको डिलीवरी के आसपास या दौरान कोई मुसीबत ना आए, उनको जान का जोखिम ना हो, उनके पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उनको माल न्यूट्रिशन ना हो, उन्हें इंपॉर्टेंट खाने की चीज़ें, डॉक्टर से जुड़ी हुई चीज़ें मुहैया कराई जाएँ, टाइम से उनके वैक्सीनेशन हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मटर्नल माँ के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो गोल फिफ्थ में थी. सिक्स देखिए HIV, AIDS, मलेरिया, इस तरह की डिजीजेस से फाइट करना, खुद को कॉम्बैक्ट रखना, यानी कि ऐसे चीज़ों से इक्विप रखना, तैयार रखना कि हम उनका सामना कर पाएं, क्योंकि उस टाइम पे इन चीज़ों, ये जो बीमारियां थी ये काफ़ी ज़्यादा पीक पे थी. अब इन चीज़ों का धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है तो चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, बट उस टाइम पे इसको एक मेजर गोल बनाया गया एंड गोल नंबर वॉज 6. 7th is to ensure environmental sustainability. बिल्कुल होना था, जब हमने सारी ही चीज़ों में डेवलपमेंट की बात कर ली तो अपना एनवायरनमेंट कहाँ जाएगा, तो एनवायरनमेंट की बात जो की गई वो 7th गोल में की गई कि environmental sustainability, जितनी भी resources हैं national resources, उनका prevention, sorry, उनका conserve, उनको conserve करना, उनके वेस्टेज को कम करना, उनसे renewable energy प्रोड्यूस करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो environment से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो गोल नंबर 7 में बात की गई. और 8th गोल लास्ट, ग्लोबल पार्टनरशिप, अगेन इंपॉर्टेंट, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस जो है वो जो पार्टनरशिप है वो IT को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, मेडिसिन को लेकर हो, हर चीज पे हो, लेकिन वो फैसिलिटेट हो आने वाले टाइम में. इन 15 साल के गोल्स में 8वें नंबर का गोल जो है वो ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करता है. तो ये थे आपके 8 गोल्स. अगर आप इनमें याद करने के पर्पज से देखें तो देखो बेसिक रिक्वायरमेंट, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको फूड, हंगर, ये सब आपका घर, ये बेसिक रिक्वायरमेंट में आता है. तो वहाँ से आप अगर स्टार्ट करें बेसिक रिक्वायरमेंट से, तो पहला गोल बेसिक रिक्वायरमेंट यानी पावर्टी और हंगर को लेकर हुआ. वंस यू हैव अचीव दैट, आप एजुकेशन की तरफ बढ़े. एजुकेशन से आपने जब अच्छी चीज़ें सीखी तो आप गर्ल्स और बॉयज, लेडीज और मेन के बीच के डिफरेंस से ऊपर उठने की बात करने लगे. जब आपने वो सीख लिया तो आपने क्या किया, आगे एडवांस करने की कोशिश की. जब आपने दोनों जेंडर्स में इक्वल वो लेकर आए, आप इक्वालिटी लेकर आए, तो आपने आगे क्या देखा, जो बच्चे हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं कि उनका मोर्टैलिटी रेट जो है वो रिड्यूस हो, वो अपनी एक हेल्थ
हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जो है वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड जो है बच्चे वो जी पाए, उसके लिए आपने काम किया। अब बच्चों की बात आई तो माँ की हेल्थ की बात आई तो उसके लिए अगला गोल हो गया। उसके अलावा आज आपने इन सारी चीज़ों पे बात किया तो आप आए उस टाइम की करंट बीमारियों को एड्रेस करने पे, और जब आपने इन सारे ही फेसेट्स पे बात कर ली तो आपने फिर किसको टारगेट किया, आपने एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को कि प्रेजेंट नीड्स के कॉम्प्रोमाइज करे बिना फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो, इसे सस्टेनेबिलिटी बोला जाता है। एंड फाइनली जब आप इन सारे ही फ्रंट्स पे काम करने लगे तो आपने जो ग्लोबल पार्टनरशिप है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो चीज़ें जो है वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ने की कोशिश की। तो ये 8 गोल्स जो हैं और इनका सीक्वेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस स्लाइड में मैंने उनको पॉइंट वाइज ही लिखा है। अब आ जाते हैं हम अपने SDGs पे। अब क्या हुआ, 2030 15 तक तो हो गया, 15 में फिर से ऑलमोस्ट 2012 में ही बनने स्टार्ट हो गए थे, इस पे सोचा जाना शुरू हुआ था, बट एग्जैक्टली 15 से 30 यानी 2015 से अगले 15 सालों के लिए जो गोल्स सामने आए जिनमें कि और चीज़ों को ऐड किया गया और प्रोग्रेसिव बनाया गया और डेवलपमेंटल बनाया गया वो थे हमारे SDGs। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रिसेंट कौन सा है SDG, साल कौन सा है 2030 तक के एजेंडा 2030, UN असेंबली जनरल असेंबली में इनको फॉर्म किया गया और क्या गया, पहले वाले में 8 हैं इसमें 17 हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको याद रखनी ही रखनी है। अब अगर सीक्वेंस की बात करें, देखो पहले स्लाइड्स देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए SDGs जो हैं वो एक ब्लूप्रिंट है कि इस रास्ते पे चल के आप उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं पुराने वाली चीज़ों के साथ साथ नए, पावर्टी, इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, फूड, हंगर, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, काम में इक्वालिटी, ओवरऑल पीस, ओवरऑल पार्टनरशिप, जस्टिस, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन गोल्स को डिज़ाइन किया गया। ये सारे इंटरकनेक्टेड गोल्स हैं, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, कोई भी कम या ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता है, और इनकी बात हो रही है 2030 तक अचीव करने की। देखो बेटा जो पहले वाले गोल्स थे वो भी 100% अचीव नहीं हुए थे, ये वाले भी कितने होंगे वी कांट कमेंट, बट अंटिल अनलेस we plan something about a future तब तक कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। तो कितनी सक्सेस हुई उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने कितना काम किया उस डायरेक्शन में। तो ये इस फिलॉसफी को ध्यान में रख के गोल्स बनाए गए हैं, इस स्लाइड में मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। इनफैक्ट इससे आगे आने वाली स्लाइड्स में मैंने उनके अंदर के पॉइंट्स भी लिखे हैं, लेकिन आपको ऐसे फिगर्स और ये पॉइंट्स याद नहीं करने, ये मैंने आपके लिए बस जनरल रेफरेंस के लिए लिखे हैं कि अगर आप खाली टाइम में रीड करना चाहें कि इस गोल के अंदर क्या बात हो रही थी उसको समझने के लिए, मैं इसको अटैच कर दूंगी। लेकिन जो बात मेन समझनी है आपने वो है सीक्वेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका सीक्वेंस, और वो हम आज ही सीखेंगे। आप पेज निकाल लीजिए नोटबुक का और मेरे साथ साथ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी ट्रिक्स पॉपुलर हैं इसको समझने के लिए, हम भी उनमें से किसी एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। आइडिया इज ट्रिक कहाँ से आई, कैसे आई, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सीक्वेंस याद हो। अगर कोई आपसे पूछे कि 11वां गोल कौन सा था तो आप फटाफट से इसको ड्रॉ करके बना पाएं, और अगर एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आप लकी होंगे, बिकॉज ये एक मोस्ट प्रेडिक्टेबल और जिसे कहते हैं वेरी वेल मेंशन टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसलिए आपको अच्छे से इसको समझना होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 18 बॉक्स थे, इसको आप गलत समझ लीजिए, 17 कर दिए मैंने। तो आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही बनाना है 6 6 6 और उसके बाद 5, तो ये आपके हो जाएंगे 17 गोल्स। तो देखो इस पे हम कैसे बात करेंगे, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट उसमें पहले मैं स्टोरी लिख रही हूँ और बाद में रिलेटेड गोल लिखूंगी। मान लीजिए कोई मिस्टर इंडिया थे, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, कोई मिस्टर इंडिया थे, वो क्या थे, उनके घर में देयर वॉज नो फूड, क्या था, खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी, खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी, सभी लोग भूखे रहते थे, घर में बिल्कुल खाना नहीं था, और क्या था, फैमिली में नो वन वॉज वेल, उनकी फैमिली में किसी की भी जो सेहत थी वो ठीक नहीं रहती थी, किनके, मिस्टर इंडिया के। अब क्या होता था, फैमिली में तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, खाना भी नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी उसकी वजह से, और क्या था, कोई एजुकेटेड भी नहीं था, नो वन वॉज
एजुकेटेड, कोई एजुकेटेड भी नहीं था उनके घर में, और जो उनकी वाइफ थी मिस्टर इंडिया की, वो क्या करती थी, इतनी कंजर्वेटिव फैमिली थी ये दैट शी हैज टू वियर पर्दा, उनको क्या करना पड़ता था, अपने बड़े लोगों से या घर के अंदर घूंघट लेके सारा काम करना पड़ता था, और क्या करना पड़ता था, शी हैज टू गो आउट, इस वाइफ को बाहर जाना पड़ता था टू फेच वाटर, बाहर जाके दूर जाके पानी भर के लेकर आना पड़ता था। तो ये छह चीजें इसी सीक्वेंस में ऐसे ही याद करनी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से वो बाहर से पानी लेके आती थी एंड शी यूज टू कुक ऑन चूल्हा, गैस तो थी ही नहीं क्योंकि बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, देयर वाज नो चूल्हा, शी इज नो गैस, शी हैज टू कुक ऑन द चूल्हा। तो इस चीज को ध्यान में रख के, इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रख के, मिस्टर इंडिया ने डिसाइड किया कि अब मैं बाहर जाके काम करूंगा। ही डिसाइडेड टू डू सम वर्क, मैं बाहर जाके कोई काम शुरू करता हूँ। Why? Because I want to improve this situation, से मुझे बाहर निकलना है। तो उसने बोला कि मैं बाहर जाके कोई काम करता हूँ। तो वो अपने घर से बाहर निकला और उसने अपने गांव में एक एग्रीकल्चर फॉर्म खोला, फार्म होता है, और उसने FARM एक एग्रीकल्चर फार्म खोला, उसने उसमें सभी एनिमल्स को, पोल्ट्री एनिमल्स को रखना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, एक फार्म खोला जो उसके लिए एक तरह से इंडस्ट्री थी क्योंकि उसने उसमें काम शुरू करना शुरू किया, अपना एक तरह से छोटा सा वेंचर शुरू किया। उसके बाद उस जगह उसने उस काम करने के लिए ही केप्ट बोथ द जेंडर्स, उन्होंने क्या किया, फीमेल और कैसे साइन होता है, मेल, दोनों को ही, दोनों जेंडर्स को अपने यहाँ काम करने पे लगाया, जो गांव के और दूसरे लोग थे उनको भी अपने साथ लगाया। उसमें लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे, मेन भी थे, विमेन और मेन दोनों का इक्वल प्रपोर्शन रखा अपने फार्म में। और उसने अपने स्टाफ के लिए, इन लोगों के लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाया, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जिसमें सारी ही चीजों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज किया जाए, किसी भी चीज का वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरह का उसने एनवायरनमेंट बनाया। एंड 12th इज, इस सबके काम के साथ उसका जो है प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स का शुरू हो गया। क्या हुआ, क्योंकि उसने पोल्ट्री फार्म बनाया था, सारे इस तरह के एनिमल्स रखे थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो प्रोडक्शन था वो शुरू हो गया। उसकी जो, उससे दूध, दही, घी, मक्खन, इस तरह की चीज़ें जो थी पोल्ट्री रिलेटेड, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने लग गए। दो लाइन हो गई, 12 गोल्स हो गए, समझ लो। आगे चलो 13th, इस काम को करने के दौरान उसने ये इंश्योर किया कि कोई पोल्यूशन ना हो, देयर वोंट बी एनी पोल्यूशन। उसने इन चीज़ों का ध्यान रखा कि मेरे जो गांव में मैंने ये फार्म खोला है उसकी वजह से कोई भी पोल्यूशन ना हो, नो पोल्यूशन एट वर्क। उसके बाद उसने क्या किया, क्योंकि उसका जो फार्म था उसके साइड में एक नदी थी गाँव की, तो उसने ये भी इंश्योर किया कि नो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी कोई हार्म ना हो, उसने ये भी इंश्योर किया। क्यों, क्योंकि वो कौन था, मिस्टर इंडिया, और इंडिया में लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उसके बाद क्या किया उसने, उसने इस सब को करके ही फाइनली अचीव्ड गुड लाइफ फॉर हिज फैमिली। उसने इन सारी चीज़ों को करके फाइनली अपनी फैमिली के लिए गुड लाइफ, अच्छी लाइफ जो है वो बना पाया। एंड घर पे भी अब क्या रहने लगी, पीस रहने लगी, क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल होने लग गई, है ना, बिकॉज पहले तो वो पुअर था, कुछ भी नहीं था, खाना भी नहीं था। अब क्या हुआ, जब घर पे पीस हो गई तो उसके बाद लास्ट उसने क्या किया, पार्टनरशिप, उसने आसपास के पार्टनरशिप विद पीपल, उसने आस पड़ोस के जो गांव थे उनके लोगों के साथ भी पार्टनरशिप कर ली। तो ये थी आपकी स्टोरी जिसे आपको 3-4 बार पढ़ के याद करना है, लिखना है अपने नोटबुक में। अब आ जाओ गोल्स पे, अब इनसे क्या गोल्स जो हैं वो रिलेट हो पा रहे हैं, देखते हैं उनको। मिस्टर इंडिया जो थे, जो कि क्या थे, मैंने यहाँ बताया था पुअर, आई टोल्ड यू, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, पुअर थे। तो जो पहला गोल है वो बात करता है नो पॉवर्टी की, यू कैन रिलेट,
नो पॉवर्टी, नो फूड की बात करता है, ये बात करता है जीरो हंगर की, सा कोई भूखा ना रहे, फैमिली में कोई भी अच्छा नहीं था, ये बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, वेलबींग की। उसके बाद नो वन वॉज एजुकेटेड बात करता है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन याद रखिएगा, इट इज नॉट अबाउट प्राइमरी एजुकेशन, इट इज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन। एंड दिस सब पॉइंट इंक्लूड्स इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो मैं एजुकेशन में आपको बता चुकी हूँ टीचिंग के सब्जेक्ट में, कि कोई भी पीछे ना छूटे, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ें। तो अगर आपसे पूछता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एजुकेशन को लेकर कौन सा गोल है, तो आपका जवाब होगा गोल नंबर 4 जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। सिस्टर वेयर पढ़ता है, ये ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, कि किसी को भी इस तरह से नहीं पहनना चाहिए, सब लोगों को समानता से अधिकार होना चाहिए, तो ये बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की। 5th गोल, पानी लेने बाहर जाती थी, क्लीन एंड सेफ वाटर, क्लीन एंड सेफ वाटर और सैनिटेशन, ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ऐसे टॉयलेट्स मेंटेन करना, सैनिटेशन से जुड़ी हुई चीजें 6th पॉइंट में। शी यूज्ड टू कुक ऑन चूल्हा, अब आप इससे बताओ क्या होगा, इससे होगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सबको जो है एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल हों, बेसिक गैस एलपीजी इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीजें की, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इस स्टेप में हो गई। तो ही डिसाइड्स टू डू अ डिसेंट वर्क, यही बताया मैंने, मिस्टर इंडिया डिसाइडेड टू डू अ डिसेंट वर्क, तो इसका मतलब क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यही है पॉइंट। देखो कितनी इजीली हम इसको याद कर सकते हैं, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसने एक पॉलिट्री फॉर्म बनाया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की, तो अगला यही है क्रिएट्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को ध्यान में रख के पॉइंट बनाया गया है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। उसके बाद उसने दोनों जेंडर्स के लोगों को रखा, तो रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी एट वर्क, रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी, काम की सबको एक साथ अपॉर्चुनिटी दी जाए, कोई भी बाइफर्केशन ना किया जाए जेंडर के बेसिस पे। उसने अपने स्टाफ के लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाया, तो ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इन सिटीज, यही है ये पॉइंट, इन सिटीज। उसके बाद उसने क्या किया, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, यही पॉइंट है ये वाला। उसके बाद क्या हुआ, उसने आसपास के एरिया में नो पॉल्यूशन, ये अपना पॉइंट है क्लाइमेट को लेकर। एक्वेटिक लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइफ बिलो वाटर, अब आप इजीली याद कर सकते हैं लाइफ बिलो वाटर, टू बी कंजर्व्ड और प्रिजर्व्ड। उसके अब क्या हुआ, फाइनली गुड लाइफ ऑन लैंड हो गई, तो ये लाइफ ऑन लैंड का ही पॉइंट है। एंड पीस एट होम है, पीस एंड जस्टिस फॉर सोसाइटी, पीस एंड जस्टिस फॉर सोसाइटी। एंड फाइनली क्या हुआ, पार्टनरशिप, जो मैंने आपको बताया था ग्लोबल पार्टनरशिप, यही है इसमें। तो इस तरह से आप इन 17 गोल्स को एक चार्ट बना लीजिए, स्पेयर माय हैंडराइटिंग, इसको आप छोड़ दीजिएगा, साफ साफ बनाइएगा इस तरह से पॉइंट्स, और पहले स्टोरी लिखिए, नीचे उसके पॉइंट्स लिखिए, और इस सीक्वेंस को याद कीजिए, और एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जाइएगा। अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हो तो ये देखो, यहाँ पे मैंने उन सारे ही पॉइंट्स को लिखा हुआ है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपसे वो नहीं पूछेगा। मैंने फिर भी जो बच्चे किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए या किसी और के लिए, और या फिर जनरली भी पढ़ना चाहते हैं, तो लास्ट स्लाइड में मैंने डिटेल भी ऐड किए हैं, उन्हें आप चाहें तो देखिए, नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम के UGC के पर्सपेक्टिव से आपको इतना पता होना चाहिए कि वो 17 गोल क्या हैं और उनका ऑर्डर, ये वाला जो ऑर्डर और साल, और ऐसे ही MGDs का भी आपको सेम इस तरह से ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो यही था आज की क्लास का हमारा टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।